morning students, and today I am going to explain chapter 7, ratio and proportion of class 10th. So the first of the option is what is ratio and what is proportion. Let's discuss about the ratio. What is ratio? If we talk about the ratio, when we compare two values A and B in such way that A and B have no common factor is called ratio. It is represented by A upon B, where B is not equal to 0 and ratio has no unit. मतलब ratio means अनुपात. यदि हम दो values को इस तरीके से compare करते हैं कि पहली बात तो उनमें कोई common factor ना हो सिवाय वन के, अगर हम बात करें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा, इस कॉल रेशियो यानी कि अनुपात कहलाता है. लेकिन किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है वो ए अपॉन बी के फॉर्म में, या हमेशा इस तरीके से ले सकते हैं ए रेशियो बी. दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ बी की जो वैल्यू है वो जीरो आपकी नहीं होती है एंड रेशियो का जो है कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि जब हम दो वैल्यू कंपेयर आपस में करते हैं तो उनका कोई भी यूनिट नहीं आता है. अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है. तो प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी इसे हम बात करें तो इसे बोलते हैं समानुपात. यानी कि जब दो रेशियोज को आपस में कंपेयर किया जाता है इन सच वे कि दोनों का रेशियो कैसा हो, इक्वल हो. कंपेयरिंग ऑफ टू ratios in such way that इस तरीके से कि A ratio B is equal to C ratio D, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि इसका मतलब ही होता है समानुपात, यानी कि दोनों का अनुपात कैसा हो. A ratio पहली जो ratio है और जो दूसरी जो ratio है उन दोनों के ratio की जो value है वो इक्वल हो. तो पहला पॉइंट था रेशियो क्या होता है कि यानी कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज वेयर ए अपॉन बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके अलावा दोनों को कोई यूनिट नहीं होता है. सेकंड पॉइंट था प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपेयरिंग ऑफ टू रेशियोज इन सच वे दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, यानी कि यहाँ जो फर्स्ट और रेशियो का जो वैल्यूज होती है वो दोनों इक्वल होती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 7A. तो शुरुआत करते हैं 7A की. क्या है 7A? तो अगर हम 7A की बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट है इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3 फाइंड, यानी कि आपको गिवन क्या है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3 आपको दिया है, यानी कि a अपॉन b इज इक्वल टू 5/3. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यानी कि 3a इज इक्वल टू 5b, तो a इज इक्वल टू आ गया 5b/3, इसे मान लीजिए आप 1. नाउ हम जिसकी वैल्यू निकालनी है क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 5a-3b/5a+3b. अब देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 5b/3 हम पुट कर देंगे, तो 5 into 5b/3 -3b upon
फाइव इन टू फाइव बी अपॉन थ्री प्लस थ्री बी। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 25 बी अपॉन थ्री माइनस थ्री बी अपॉन 25 बी अपॉन थ्री प्लस थ्री बी। अब इन दोनों पार्ट का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका इधर 9b हो जाएगा 25b माइनस 9b अपॉन 3, इधर प्लस का हो जाएगा 9b अपॉन 3। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 25 से अगर 9 जाएगा तो आपका आएगा 16b अपॉन 3, इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34b अपॉन 3। अगर फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड की बात करें तो यहाँ से ये रिड्यूस हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपका है वो 8/17 यानी कितना आंसर आ गया आपका 8/17। चाहे तो इसे इस तरीके से ले सकते हैं 8:17। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि यहाँ रेशियो है, देखिए आपने कंपेयर देखा, यहाँ एक चीज आपने नोट की होगी 5:3 दिया, इसका मतलब दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक वैल्यू निकाली और फिर जो वैल्यू पूछा उसका क्वेश्चन हमने कर दिया। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। तो इसी तरीके से हमें बात करनी है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 1 की तरह, क्वेश्चन 3 भी सिमिलर है क्वेश्चन 1 की तरह, क्वेश्चन 4 भी है वैसे ही। तो हम 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर व्हिच बियर्स द सेम रेशियो टू 7/33 दैट 8/21 डज टू 4/5। तो रेशियो पूछ रहा है, मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। देन क्या कह रहा है कि जो इसका जो रेशियो है इस नंबर का 7/33 से बिल्कुल इक्वल है, सेम है 8/21 रेशियो 4/9। तो क्या होता है, जो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे यानी कि एक्स अपॉन वाई इंटू 4/9 इज इक्वल टू 7/33 इंटू 8/21। अगर हमें चूंकि ये रेशियो निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, x अपॉन y इज इक्वल टू, इधर आप रिड्यूस करना चाहें ना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 9 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, यानी 7/33 मल्टीप्लाई 8/21 मल्टीप्लाई 9/4। तो 4 2 8, 7 3 21, 3 3 9 और ये कट गया आपका 11 times। तो आपका जो रेशियो है वो आ गया x अपॉन y इज इक्वल टू 2/11, कितना आ गया, यानी इस नंबर को हम अगर मेंशन करें तो आ जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो। इस तरीके क्वेश्चन नंबर आपको करना है 6 तो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह ही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड x अपॉन y व्हेन x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। आपको क्या निकालना दिया गया, आपको x स्क्वायर प्लस 6y x स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy, ये आपको दिया है। निकालना क्या है आपको, x अपॉन y आपको निकालना है। चलिए कैसे करते हैं, तो नाउ x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, जो ये आपका जो xy है इसका हम इन दोनों टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी आपका हम xy का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर एक y कम हो जाएगा, इधर एक x, तो क्या बचेगा यहाँ पर x अपॉन y 6y अपॉन x प्लस 5। हम क्या करेंगे, लेट x अपॉन y इज इक्वल टू मान लेंगे a, तो इसको जब इसमें हम पुट करेंगे तो आपका आएगा a प्लस 6/a इज इक्वल टू 5। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5a, 5 को तो ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज क्या, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6। हाँ तो अब हम बात करेंगे, तो क्या है कि यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ देखिए a कॉमन है a माइनस 3 और यहाँ क्या कॉमन है 2, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में a माइनस 2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग तो आएगा आपका a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 3,
लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, हमने एक्चुअल वैल्यू हमने माना गया था। अगर हम बात करें मानने की तो हमने माना था यहाँ एक्स सॉरी यहाँ हमने क्या माना था एक्स वाई इज इक्वल टू ए माना था। जब वहां हम सॉल्व करेंगे तो हमसे जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है वो x अपॉन y पूछ रहा है। तो x अगर बात करेंगे फाइनली आंसर बात करेंगे 10 तो x y इज इक्वल टू आंसर रहेगा 2 अपॉन 1 और दूसरा आंसर हो जाएगा x y अपॉन इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। इस तरीके से ये फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करना चाहे क्वेश्चन नंबर 8 की क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर से आगे नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन 8 अपॉन 11 इज सेम एज द रेशियो टू 2x minus y 2x find the value of 7x upon 9y। यानी वो क्या कह रहा है कि जो 8 upon ratio की जो value है वो किस पेज पर है 2x minus y ratio x plus 2y के। किसकी value हमको निकालनी है 7x upon 9y। इसकी value हमको निकालनी है तो इसे solve करके यहाँ से x upon y का ratio निकाल लेंगे। चलिए कैसे now 2x minus y upon x plus 2y is equal to 8 upon 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 11 2 जा 22x minus 11y is equal to 8x plus 16y। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं कि x का पार्ट उधर ले जाइए y का पार्ट उधर ले जाइए 22x minus 8x is equal to 16y plus 11y। माइनस कर दीजिए 22 से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 14x। इधर ऐड करेंगे तो ये जाएगा 27y। अब देखिए क्या है कि y को उधर ले जाइए 14 को उधर ले जाइए तो x upon y is equal to हो जाएगा 27 upon 14। अगर ये रिड्यूस तो हो नहीं रहा है आप देख सकते हैं कि ये 2 इंटू 7 है जबकि ये 3 इंटू 9 है यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे जो हमसे पूछा क्या है उन्होंने 7x अपॉन क्या पूछा है 7x अपॉन 9 यानी कि नाउ सॉरी 10 7x अपॉन 9 y इज इक्वल टू क्या आएगा 7 इंटू 27 अपॉन 9 इंटू 14। अब ये कट रिड्यूस हो जाएगा ये 9 3 जा 27 7 2 जा 14 तो 7x अपॉन 9y की कितनी वैल्यू आएगी आपकी 3 अपॉन 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन यही फिनिश होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो रेशियो है सिंपली आपको सॉल्व करना है ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की क्या है क्वेश्चन नंबर 12 द मंथली प्रॉफिट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7 their expenditure are in the ratio 3:5 if each saves rupees 80 every month find their monthly pocket। यानी कि रवि और संजीव का जो मंथली पॉकेट है वो 5:7 यानी कि रवि का 5x मान लेते हैं तो 7x मान लेते हैं संजीव का तो मानते हैं चलिए सॉल्व 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 करते हैं इससे क्या आता है लेट मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव बी रवि एंड संजीव बी 5x एंड 7y एंड खर्च कितना उनका एंड देयर x expenditures be 3x and 5y। बचाते कितना है 80 रुपये बचाते हैं वो then रवि save money every month रवि saves money। अगर हम बात करें यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं
खुद सेव रुपीज एट 80 एवरी मंथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू रुपीज यानी कि 80, क्वेश्चन नंबर वन। दूसरा बनेगा अगर हम बात करें यहां पर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे आएगा एन एक्सपोनेंशियल डिफरेंट, तो यहां पर सॉल्व हमें करना पड़ेगा, ये हो गया 5x, 7x मानना पड़ेगा और ये y, दोनों y y उनको मानने पड़ेंगे, तो ये हो गया x माइनस y, ये हो गया 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 80। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, कैसे सॉल्व करें, सॉल्विंग करें क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए यहाँ दोनों डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ किसी से एक की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे कैसे निकालेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए ये 5y है, ये 3y है, यहाँ क्या करेंगे ओपन रेशियस में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 का करेंगे और इसमें करेंगे 3 का, जब करेंगे तो क्या आएगा, इसका किसी से यानी जिससे इसको एलिमिनेट कर देंगे, जब एलिमिनेट करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2, देन एलिमिनेट 2 फ्रॉम 1। जब 2 फ्रॉम 1 कह रहा है तो पहले 1 का निकालते कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 400, और अगर नीचे सॉल्व करेंगे तो आएगा 21x माइनस 15y इज इक्वल टू 1240। एलिमिनेट करना है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा 25 से 21 जाएगा तो बचेगा 4x, इधर ये क्रॉस हो गया इज इक्वल टू 400 से 240 जाएगा तो बचेगा 160, तो x इज इक्वल टू आएगा रुपीज 40। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें आखिरी में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड देयर मंथली पॉकेट, यानी कि फाइनली हम बात करें फ्रेंड्स मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि कितना है, तो मंथली पॉकेट मनी कितने की है रवि की, 5x यानी कि 5 × 40 इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे सॉरी जी हाँ, तो मंथली पॉकेट अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों की कितनी आएगी 500, 540 यानी कि रुपीज 200, और इसके बाद अगर बात करें मंथली पॉकेट मनी ऑफ संजीव की बात करेंगे तो आएगा 7 × 40 इज इक्वल टू 280। इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो जो अब हम बात करें, तो अभी इससे पहले हमने आपको बात बताया, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन द रेशियो 10:13, यानी कि जो मेले का किराया टिकट का वो उन्होंने बढ़ा दिया, किस तरह बढ़ा दिया 10:13 में, तो जब बढ़ाया किराया तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ विजिटर्स देखने वाले दर्शक हैं वो कम हो गए, कितने कम हो गए 6:5 में। तो पूछ रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो टोटल कलेक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज, तो कितने रेशियो में इंक्रीज हुआ चेक करते हैं। पहले क्या है, शुरुआत करते हैं लेट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट बी 10x एंड 13x। इसके बाद क्या करें, द नंबर ऑफ विजिटर्स हैज डिक्रीज इन द रेशियो एंड
नंबर ऑफ डेटमीटर्स की बात करें एंड नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीज्ड बी 6y and 5y। तो देखिए पहले क्या करते हैं, नाउ पहला क्या है, जब इंक्रीज किया तब क्या हुआ, अगर शुरुआत में इनिशियल टोटल कलेक्शन कितना था, इनिशियल टोटल कलेक्शन कितना हुआ जब बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे, तो हुआ 10x into 6y = 60xy। यानी जब इंक्रीज नहीं किया था तब क्या हुआ, 60xy था। एट प्रेजेंट की बात करें हम, एट प्रेजेंट टोटल कलेक्शन कितना है, तो आएगा 13x into 5y = 65xy। आप देख सकते हैं कि यहाँ 60 है, 65 यानी कि इंक्रीज हुआ है, इसे क्या हुआ है। तो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, इन व्हाट रेस को टोटल कलेक्शन इंक्रीज। तो फाइनली हम बात करेंगे, फाइनली इंक्रीज टोटल कलेक्शन ऑफ फेयर, टोटल कलेक्शन बात करेंगे सिंपली, तो आएगा 60xy upon 65xy = xy से xy कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 12 आएगा, इधर आएगा 13, यानी कि 12 रेज़ टू 13। तो समझना, यानी कि जो पहले कराया था, जो इंक्रीज कराया था वो 10x से 13x हो गया, नंबर ऑफ पर्सन से जो 6x से भाई या 5y रिलीज यानी डिक्रीज हो गए, तो जो टोटल जो बिगनिंग में जो करेक्शन हुआ करता था वो 60xy आता था, लेकिन जब इंक्रीज किया प्राइस तो 65xy हुआ, इसका मतलब इंक्रीज हुआ रेशियो। तो इंक्रीज हुआ रेशियो कितना इंक्रीज हुआ, 12:13 है, पर 12 तो बाद में कितना हो गया 13। ओके, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। इन अ मिक्सचर ऑफ 126 केजी ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है, और हम बात करें क्या कह रहा है वो ध्यान समझिएगा, कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क क्या है, वो है आपका 126 केजी। कह रहा है कि जो आर इन द रेशियो 5:x, यानी कि अगर हम सम ऑफ रेशियो की बात करें, सम ऑफ रेशियो आएगा आपका 5+2=7। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर निकालते क्या आता है, तो अमाउंट ऑफ, अगर हम बात पहले सॉरी यहाँ मिल्क ऑफ वाटर, यहाँ पहले मिल्क है और फिर है वाटर, आगे पीछे जरूरी है समझना ये क्यों। तो अमाउंट ऑफ मिल्क अगर हम बात करेंगे मात्रा की, तो क्या आएगा, यानी कि 5/7 × 126 kg, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 = 56 = आएगा 90 kg, यानी कि जो दूध है वो कितना है 90 किलोग्राम। अगर हम पानी की बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है भाई, देखते हैं 2/7 × 126 kg, यहाँ तो 18 आएगा, = 36 kg। अब पानी हमने अलग कर दिया, दूध भी अलग कर दिया, अब क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो करते हैं ये, लेट x किलोग्राम वाटर शुड बी एडेड। तो क्या है, पहले मिल्क है ना, तो आएगा देन 90 अपॉन कितना 36 में कितना हमने कर दिया x लीटर एड कर दिया, तो कितना आया रेशियो, क्या हो गया आपका 3:2 हो गया। तो क्या करेंगे हम, वही पुराना काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 19 × 180 का करेंगे तो आएगा 108+3x, इसको 180 से क्या करेंगे -3x = 180 - 108। अब सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए, कहीजिए 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 2 आ जाएगा आपका, 7 से 0 = 7, 72 बचा, तो x = क्या आएगा 72/3 kg। तो डिवाइड किए कितना होता है, अगर आपको आता होगा तो आंसर
24 केजी आ जाएगा। तो कितना ऐड करेंगे हम पानी, 24 केजी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/4, ध्यान से क्या क्या दिया है, समझने वाली बात है। हमने बात किया ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 3:4, और क्या दिया भाई, और दिया हमने बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:7। तो निकालना क्या हमको, तो हमको जो निकालना है वो निकालना है पहले ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, ये निकालना है, इसके अलावा ए रेशियो सी निकालना है, यानी ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम बात करेंगे नाउ, अब देखिए बी रेशियो सी हमको कितना दिया है, 6:7, जबकि यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 4। भाई यहाँ पर भी हम 4 करेंगे ना, कैसे करेंगे देखिए, तो b रेशियो c इज इक्वल टू 6 × 2/3 रेशियो 7 × 2/3, क्यों किया, क्योंकि अगर 3 से हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 हो जाएगा 4, और जैसे ही 2 2 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 14/3, तो कि b यहां 4 हो गया और b यहां 4 हो गया, है ना, तो कितना आसान हो गया। इस प्रकार से a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 3, b की रेशियो कितना है 4, और c का आया 14/3। अब इस 3 को भी हटा दो सब जगह से, क्या आ जाएगा 9:16:14, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों में, 12, ठीक है 12 आ गया, और ये 14 के पास 3 था इसलिए हमने उसे कुछ नहीं दिया। तो ये हो गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, ए रेशियो सी, तो आपका ए रेशियो बी वह क्या था बताइए, 3:4। अच्छा बी रेशियो सी हमने क्या निकाला था, 4:14/3। देखिए बी से बी फिनेस, इधर 4 से 4 फिनेस, तो क्या निकालना है, ए रेशियो सी इज इक्वल टू 3:14/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 9:14। तो पहले का आंसर क्या आया था, 9:12:14, और दूसरे का आंसर 9:14। क्लियर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, क्या है फाइंड द कंपाउंड रेशियो। चलिए हम कम इसका फटाफट ही बताएंगे आपको, क्या आपका सवाल तो दिया है 2:1, 3:5 एंड 20:9। देखिए क्या होता है कंपाउंड रेशियो, हम सीधे निकालेंगे द कंपाउंड रेशियो, क्या आएगा √2 × 3 × √20:1 × √5 × 9। तो देखिए इसका क्या जाएगा, 3 × √40:9√5, इसे तोड़ो 3 × √4 × 10, अगर हम बात करें तो आएगा 9:5, इधर हो जाएगा 3 2, ये बाहर जाएगा 2 2 3 6√10/9√5। इसमें से भी अलग करना पड़ेगा हमें, 6√2 अलग कर लीजिए और √5 अलग कर लीजिए, और 9 × √5 अलग हो जाएगा, तो √5 से √5 आंसर 3 2 6, तो 3 3 9, तो आ जाएगा आपका 2√2/3। हम आगे बात करेंगे, छोटे पार्ट है हम कटा कर खत्म करते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सीधे सीधा क्या करना है हमको, स्क्वायर निकालना है। देखिए सेकंड पार्ट बताते हैं 21 का, 3√3:2√5, अब इसका डुप्लीकेट निकालेंगे, डुप्लीकेट रेशियो निकालिए तो क्या आएगा, 3√3/2√5 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यदि होल का स्क्वायर 9, तो 9 × 3 = 4 × 5, और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हो जाएगा 27/20। आगे बात करते हैं, ऐसे ही ट्रिपलेट में क्या क्यूब निकालेंगे, सब डुप्लीकेट में क्या है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, समझ लेते हैं। 23 का फर्स्ट क्या है, देखिए
सेकंड 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 देखते हैं 23 का क्या है। सेकंड सेकंड जो है वो x माइनस रेस्ट पावर 4 सॉरी, और ये है x प्लस y रेस्ट पावर 6। अब क्या कह रहे हैं वो द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, तो कैसे निकालेंगे हम एक ही ध्यान से, तो आएगा आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। तो हम क्या करेंगे इसका कर देंगे सीधा स्क्वायर रूट, यानी कि इसको कर देंगे 2 into 2 अपॉन, इसको कर देंगे हम सीधा 2 into plus 2 into x plus y raised to power 2, क्योंकि बेस से मतलब तो पावर ऐड हो जाती है। तो आगे हम इसका निकालेंगे तो एक ऊपर वाले का आएगा x माइनस y का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, पर अंदर एक चीज और बचेगी, वो बचेगी आपकी 1 upon root x plus y का होल स्क्वायर। अब तो होल स्क्वायर इसका भी बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर आपका x प्लस y, क्योंकि 4 से 4 में 2 आ गया, 2 है तो 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो क्या हो गया आपका x माइनस y का होल स्क्वायर रेशियो x प्लस y का होल क्यूब। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, क्या 27 26 की सेम है, 28 भी सेम है, लेकिन समझ लीजिए 27 क्यों है, प्रूव करना है थोड़ा सा। If m ratio n is the duplicate ratio of m plus x ratio m plus x, then show that x square is equal to m n. लेकिन ध्यान से डाट हम यहाँ से करेंगे सिंपली, क्या हमने दिया है, हमने दिया है कि जो m plus x का जो होल स्क्वायर है वो m upon n के इक्वल है। तो जो निकालना हम निकाल लेंगे, चीज ऊपर करते हैं पहले प्रॉब्लम फॉर्म में, अगर मैं इसे अलग अलग करना चाहता हूँ तो यानी कि m plus x का होल स्क्वायर upon m plus x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कि a plus b का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये करते हैं ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2mx upon n square plus x square plus 2mx is equal to m upon m. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये रहेगा n m square plus n x square plus 2m n x is equal to m n square plus m x square plus 2m n x. तो ये सीधे पार्ट कैंसिल, x वाला पार्ट इधर लाइए, इस वाले पार्ट इधर ले जाइए, तो इधर होगा n x square minus m x square is equal to m n square minus n m square। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा n minus m, या m n कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा n minus m, ये से पार्ट ये कट गया, x square आ गया आपका m n, और यही हमको क्या करना था, proved that। तो ये हो गया proved। आगे हम बात करेंगे जो है इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न क्या है, 30 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है। इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, शो दैट पी रेशियो क्यू इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी प्लस आर का हो रेशियो अपॉन क्यू। तो ये प्रश्न क्या दिया उन्होंने, आर स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों क्या दिया गिवन है। Then, अगर हम बात करें तो P प्लस आर क्यू प्लस आर, ये यानी कि रेशियो है, तो यानी कि P प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, ऊपर कीजिए तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr। अगर हम बात करें यहाँ से देखिए r की जगह हम क्या रख देंगे pq, p स्क्वायर प्लस pq प्लस 2p, यहाँ रूट हो जाएगा pq अपॉन p स्क्वायर प्लस pq, इस तरह q स्क्वायर क्या है q स्क्वायर प्लस 2q रूट pq, ऊपर से p कॉमन ले लीजिए नीचे से q कॉमन ले लीजिए,
जब ऊपर से p कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस q प्लस 2 रूट पी क्यू, इट इज q कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, q प्लस p प्लस 2 रूट पी क्यू, कट गया बराबर क्या आ गया, p अपॉन q यानी कि p रेशियो q, और यही तो हमको क्या करना था साबित। तो ये हो गया प्रूफ। इसके बाद हम करेंगे इसका अंतिम पार्ट इस क्वेश्चन का, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। चलिए क्या है देखते हैं, और वो है आपका 30 क्वेश्चन का बी पार्ट। क्या है, इफ p माइनस x इज इक्वल टू रेशियो q माइनस x बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p स्क्वायर p रेशियो q, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि 1 upon p plus 1 upon q is equal to 1 upon x। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जो हमें शो करना है वो क्या है, उसी पार्ट को हम ले लेंगे जिस तरीके से कैसे आएगा, जो हमें शो करना है वो ये है, we have to show that 1 upon p plus 1 upon q is equal to 1 upon x। तो LHS part पहले हम ले लेंगे, क्या है LHS part, 1 upon p plus 1 upon q is equal to, ऐसे लेंगे तो ऊपर आएगा p plus q upon pq। तो इसी तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम LCM को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p अपॉन q, यानी कि हमें क्या दिया है, नाउ p माइनस x अपॉन q माइनस x आपको ये दिया है। अगर हम इस तरीके से बात करें, ये जो है यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहें और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स। तो ऊपर से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, क्या सॉल्व करना है कि 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो पी प्लस क्यू अगर हम निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा, फिर उसके आगे हम बात करें क्या हमारे पास, देखिए p माइनस x का होल स्क्वायर, सॉरी p माइनस x अपॉन q माइनस x इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए p माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर q माइनस x। आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर x इज इक्वल टू p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, p वाले पार्ट एक तरफ लेकर आएंगे, अब q वाले पार्ट एक तरफ लेकर आएंगे, x वाले पार्ट इधर लेकर आइए, तो p स्क्वायर x माइनस q स्क्वायर x इज इक्वल टू p स्क्वायर q माइनस p q स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x तो ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कॉमन क्या p q ब्रैकेट में p माइनस q बचेगा, इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से ओपन करेंगे तो p माइनस q और एक ब्रैकेट में p प्लस q बचेगा, और अगर p q इज इक्वल टू p माइनस ये सी पार्ट कट गया तो इसका डिवाइड कर देंगे तो ये रहेगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। और हमने देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस पार्ट है हमने जो भी निकाला था वो क्या निकाला था, इस तरीके से ये जो इसे वन दे देंगे तो फ्रॉम वन, आप जब इसे देखिए वहाँ क्या दिया उन्होंने, इसे उल्टा कर देंगे आप, हम कैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन pq, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपॉन
एक्स इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरीके से एक्सरसाइज फिनिश होती है और उम्मीद है आपको समझ में आ गई।